मोदी ने नहीं बनाया सीएम, अब भजन लाल वसुंधरा को दिखा रहे हैं नीचा। राजस्थान की महारानी पर इतना जुल्म क्यों? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। राजस्थान में जब बीजेपी सीएम के नाम का ऐलान कर रही थी, उस वक्त वसुंधरा राजे के साथ कैसा व्यवहार किया गया ये हर किसी ने देखा। पहले उन्हें सीएम नहीं बनाया गया, ऊपर से उनके हाथ में सीएम के नाम की पर्ची भी दे दी गई, जिसके बाद पर्ची को खोलने के बाद वसुंधरा के चेहरे पर मायूसी साफ नजर आई। लेकिन इतना करने के बाद भी क्या बीजेपी का मन नहीं भरा है? क्या अभी भी भजन लाल सरकार वसुंधरा को नीचा दिखा रही है? ऐसा हमारा नहीं, ऐसा दावा एक विधायक ने किया है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल कांग्रेस विधायक सुरेश गुर्जर के दावे ने राजस्थान की राजनीति में कई सवाल उठा दिए हैं। मामला है काली सिंध थर्मल पावर प्लांट में स्वीकृत 800 मेगावाट की तीसरी सुपर अल्ट्रा यूनिट को झालावाड़ से बाहर लगाए जाने का, और क्योंकि झालावाड़ वसुंधरा राजे का घर है, इसलिए सवाल उठ रहे हैं। भजन लाल वसुंधरा को दिखा रहे हैं नीचा। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक खानपुर से कांग्रेस विधायक सुरेश गुर्जर ने इस मामले में तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है, झालावाड़ जिला वसुंधरा राजे का गृह क्षेत्र है। प्रदेश की भाजपा सरकार वसुंधरा राजे को नीचा दिखाने के लिए ऐसा करना चाहती है। अब जिस तरह से कांग्रेस विधायक ने दावा कर दिया है कि अभी की सरकार यानी भजन लाल सरकार वसुंधरा राजे को नीचा दिखाना चाहती है, अब इस बयान के बाद से जहां बीजेपी में हड़कंप मच जाएगा, तो वहीं लोग राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा पर सवाल उठाएंगे और उठा भी रहे हैं। कह रहे हैं कि क्या सच में भजन लाल वसुंधरा को नीचा दिखाते हैं? और ये सवाल जोरों से इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि इससे पहले सीएम बनने के कई दिन तक भजन लाल वसुंधरा से मिलने तक नहीं गए थे और ना ही वसुंधरा बीजेपी के किसी कार्यक्रम में जाती थी। उनकी नाराजगी की भी खबरें आए दिन लाती थी, लेकिन भजन लाल ने इस बात को जाने दिया। यही कारण है कि ये सवाल और ज्यादा उठ रहे हैं। आगे सुरेश गुर्जर ने यह भी कहा कि कांग्रेस सरकार में काली सिंध थर्मल पावर प्लांट में 800 मेगावाट की तीसरी सुपर अल्ट्रा यूनिट स्वीकृत की गई थी, इसे अब छत्तीसगढ़ ले जाने की मंशा है। कांग्रेस पार्टी सरकार की इस मंशा को पूरा नहीं होने देगी। तीसरी यूनिट को छत्तीसगढ़ ले जाने का पुरजोर विरोध करेंगे। इसके लिए कांग्रेस पार्टी को सड़कों पर उतरकर आंदोलन करना पड़े तो वो भी जरूर करेंगे। क्या है पूरा मामला, अब आपको पूरा मामला भी समझाते हैं। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर झालावाड़ दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने काली सिंध थर्मल पावर प्लांट का निरीक्षण किया और कहा था कि कुछ दिनों पहले मेरी केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी से मुलाकात हुई थी और उन्होंने ये सुझाव दिया था कि आज के दौर में कोल माइन से कोयले को 1500 से 2000 किलोमीटर तक ले जाने के बजाय जहां कोल माइंस है वही प्लांट लगाए जाए, साथ ही वहां से बिजली का ट्रांसमिशन किया जाए। इसीलिए फिलहाल वो इसका परीक्षण करवा रहे हैं। अगर कोल इंडिया से करार करके सस्ती लागत में बिजली उपलब्ध होगी तो हम चाहेंगे कि प्लांट छत्तीसगढ़ में बन जाए। और इसी पर कांग्रेस सवाल उठाए जा रहा है कि वसुंधरा के घर से काली सिंध थर्मल पावर प्लांट हटाया जा रहा है ताकि महारानी को नीचा दिखाया जा सके। बात वसुंधरा राजे की करें तो खबर थी कि विधानसभा चुनाव के वक्त वो सीएम बनना चाहती थी, लेकिन पीएम मोदी ने ऐसा नहीं होने दिया। भजन लाल शर्मा को सीएम बनाया गया, जिसके बाद राजे की नाराजगी की खबरें भी थी। हालांकि फिर वसुंधरा मान गई, लेकिन अब जिस तरह से कांग्रेस विधायक ने बयान दिया है कि नीचा दिखाया जा रहा है वसुंधरा को भजन लाल द्वारा, उस पर आप क्या कहेंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।